जन भावना लोक है और लोक से बड़ा कुछ नहीं। अन्ना हजारे 5 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए थे। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत जन लोकपाल बिल लागू करवाने की मांग कर रहे थे। गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, हर जगह लोग अपने आप मुख्यालयों पर अनशन स्थल पर बैठते जा रहे थे। बहुत उम्मीदें दिख रही थी, मुझे भी उम्मीद दिख रही थी कि हो सकता है इस देश के अंदर कोई एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आइए आपको वहाँ का हाल बताते हैं। कहाँ से आई हैं? तिलकपुरी से। यहाँ किस लिए आई हैं? अन्ना जी, हम अन्ना जी के साथ संघर्ष करने आए हैं। जो वो संघर्ष कर रहे हैं उसका हमारा भी योगदान होगा, तो सपोर्ट करने उनका सपोर्ट करने आए हैं। लेकिन आप इतनी दूर से यहाँ आई हैं अपना सब काम धाम छोड़ के? जी, हम स्कूल पढ़ते हैं। लिए वोट किसमें पढ़ती हैं? 12th क्लास के पेपर दे रहे हैं। तो आपका नुकसान नहीं हो रहा है? अब जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं तो लिए ही है 12th क्लास, क्या है? हम तो उनके लिए मर भी सकते हैं। ये 12th क्लास तो कुछ भी नहीं है। इस देश में इतना भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार का जननी जो है सो यहाँ का नेता है, और इस नेता को और इस कानून भ्रष्ट कानून को उखाड़ के फेंकने के लिए हम इसमें अपना जी जान से सहयोग देने। अब क्या होगा कोई नहीं जानता है। इन बातों को लेकर के अनशन स्थल पर अन्ना हजारे उनके साथी अनशन कर रहे थे, अपनी बातों पर अड़े हुए थे, उससे एक उम्मीद थी। पर सरकार के साथ जिस तरह समझौता करके अनशन को खत्म किया है वो एक दुख पहुंचाने वाला था। वहां का पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक रंगारंग कार्यक्रम हो, जो बहुत दुख पहुंचा रहा था। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ट के लिए।